हेलो दोस्तों, गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी से इनकार करने पर एक प्रेमी ने युवती पर सरेआम चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना किलुआ ताल थाना क्षेत्र के मानीराम में शनिवार शाम 7 बजे का है, जिसमें भीड़ ने हमलावर प्रेमी को मौके पर ही दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हमलावर को भीड़ के कोप से बचाया और हिरासत में ले लिया। नाराज लोगों ने पुलिस की जीप पर भी पथराव कर गुस्सा उतारा। घायल युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवती और उसका प्रेमी अलग अलग समुदाय से है, लिहाजा गाँव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। CO कैंपियरगंज गाँव में कैंप कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय एक युवती का पिछले 6 साल से छोटका सोनबरसा निवासी गौतम गौड़ से प्रेम संबंध चल रहा था। युवती एक फैक्ट्री में काम करती है। शादी की बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम प्रेमी ने युवती को गोरखनाथ इलाके के एक माल में मिलने के लिए बुलाया था। युवती काम से लौटी तो माल चली गई। दोनों काफी देर तक आसपास में बातचीत करते रहे। इसी दौरान गौतम ने शादी का दबाव बनाया, इससे दोनों में कहासुनी हो गई। युवती नाराज होकर भड़कती हुई ऑटो से घर चली गई। आग बबूला गौतम ने अपनी बाइक से ऑटो का पीछा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानीराम के पास युवती जैसे ही ऑटो से उतरी, वैसे ही गौतम ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू से सिर, गर्दन, उंगली समेत शरीर पर कई हिस्सों में गहरे घाव हो गए। घाव से खून की धार बहने लगी। युवती लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी। कुछ तो डर के मारे सिर पर पैर रख के भाग खड़े हुए, तो कुछ जुझारू हमलावर की ओर लपके और कुछ ही दूर जाकर उसे दबोच लिया। इस मौके पर हाथ साफ करने वालों की भीड़ लगी और सभी लोगों ने घूंसे, लात, जूते से हमलावर की काफी ज्यादा पिटाई की। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं इस घटना के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।